Hey guys, welcome to my YouTube channel. My name is Umar Farooq and I am a second year MBBS student at GMP Srinagar. तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा क्योंकि आपका कल नीट एग्जाम है, तो आज आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि जैसे आप सारा कुछ भूल गए हो। जितनी भी आपने बायोलॉजी, जितनी भी आपने केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ा होगा पूरे साल, आपको ऐसा लग रहा होगा अभी लास्ट में भी आपको कुछ भी याद नहीं है। क्या होगा कल हमारा, जो आपका जो कल एग्ज़ाम है क्या होगा उस एग्ज़ाम में आपका? तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, जो कल यहाँ पे टॉपर आने वाला है ना नीट में, उसको भी नहीं पता ऐसा कि कल उसकी सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी। तो इसका मतलब ये होता है कि ये नॉर्मल है, हर किसी के साथ होता है। जैसे मेरा एग्ज़ाम था, मतलब 2020 में मेरा एग्ज़ाम था, तो उस टाइम पे मुझे क्या लगा था, पूरे साल तो मेहनत अच्छे से की थी, लेकिन नीट से एक दिन पहले क्या हो रहा था, स्ट्रेस आ रहा था बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा था क्या पता मेरी सिलेक्शन कल होगी कि नहीं होगी, ये मार्क्स मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या होगा यहाँ पे, क्या मुझे फॉर्मूले याद आएगी यहाँ पे जब मैं फिजिक्स का क्वेश्चन देखूंगा, क्या बायो का क्वेश्चन आएगा। देखो नीट की यहाँ पे एक ब्यूटी होती है, ब्यूटी ये है यहाँ पे एक तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं और उसी के साथ साथ आपको क्या होता है यहाँ पे, मतलब चार ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे। जब आपको बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस दिए होंगे, तो आपने बुक पे पढ़ा है पूरा साल आपने, मतलब एनसीईआरटी को घिस घिस के पढ़ा है, तो जब आप वो ऑप्शन वहाँ पे देखोगे ना तो आपको झट से याद आ जाएगा। जैसे मैं अपना एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे हमारे नीट में एक क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, की क्या था कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था उसमें, लेकिन लिखा क्या था, ग्लूट वन, ग्लूट टू, ग्लूट थ्री, ग्लूट फोर, चार ग्लूट लिखे थे ना ऐसे, ग्लूट वन, ग्लूट टू, ग्लूट थ्री, ग्लूट फोर। अब मैं कन्फ्यूज हो गया वहाँ पे कि क्या मैंने कौन सा पढ़ा था, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था, तो मैंने आँखें बंद करी, सोचा हाँ ग्लूट फोर, डायरेक्ट मार दी वहाँ पे टिक, है ना। तो ऐसी चीज़ें होती है, ये मतलब नॉर्मल सी चीज़ है, जो आप अभी आप भूल रहे हो या ऐसा डर लग रहा है कल सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी, तो ये नॉर्मली इसको नॉर्मली लो, इसको ज़्यादा ये मत लो कि ख़त्म हो गए हम, अब हम क्या करें, हमें तो कुछ याद नहीं आ रहा। तो ये वीडियो इसीलिए मैंने यहाँ पे लाई है ताकि आपको समझ आए, ये एक नॉर्मल फीलिंग होती है, हर साल होता रहता है बच्चों के साथ ऐसा कि क्या होगा कल। तो इसके लिए आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, अभी आप क्या करो, अच्छे से रहो। जिसने पूरी प्रिपरेशन की है ठीक है, जिसने नहीं की है, जिसको अभी लग रहा है कि कुछ और कर रहे हैं, तो वो कीजिए, वो अपना काम कीजिए। अगर उसको लग रहा है कि मुझे बराबर वहाँ तक एग्जाम सेंटर तक पढ़ना है तो पढ़ लो, इसमें क्या मसला है, बायो हाथ में लो पढ़ लो वहाँ से, क्योंकि फिजिक्स के न्यूमेरिकल तो नहीं सॉल्व कर सकते हो ना वहाँ पे गाड़ी में बैठ के, तो बायोलॉजी लो उसके बाद वहाँ तक पढ़ लो, तो कोई रिग्रेट नहीं रहेगा लास्ट में। आप ऐसा सोचोगे वहाँ पे कि मैंने लास्ट मोमेंट तक हार नहीं मानी, जितना मेरे से हो सकता था उतना मैंने दिया, इससे और ज़्यादा ही क्या ही मैं दे सकता था। तो यहाँ इससे क्या रहता है, इससे आपका दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा ठीक रहता है, और वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इंसान की ज़िंदगी में, वही खुशी। खुशी नहीं होगी तो क्या फ़ायदा है MBBS का या किसी IAS YAS का। और हाँ, मेरी एक बात भी याद रखना, जिसने भी पूरा साल दिया है ना अपनी पढ़ाई को अच्छे से, साल या दो साल, जिसका 11th 12th या जो दो ड्रॉपर था उसने जो साल दिया है ना, ये वाला ईयर जो उसने दिया है, या जो 11th 12th वाले बच्चे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ जिसने अपनी मेहनत की होगी ना, वो कल, अभी तो आप नीट एस्पिरेंट हो, कल लिख के ले लेना, आप कल MBBS स्टूडेंट बनोगे, 100% गारंटी देता हूँ मैं। जिसने भी मेहनत की है ना, अच्छे से मेहनत की, और जिसको अभी लग रहा है कि कुछ नहीं आ रहा है हाथ में, तो कुछ भी नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ यहाँ पे कल आप MBBS स्टूडेंट होंगे, ये कन्फर्म होता है, ठीक है ना। ऐसा भी लगता है इंसान को कि कुछ नहीं आता है, तो लगने तो कोई मसला नहीं, आपको बस एक चीज़ पर ध्यान देना है कि आपने पूरे साल मेहनत की है, जितना आपसे पॉसिबल था आपने उतना दिया है, तो आप क्यों टेंशन लेना, पहले ही बता दिया मैंने आपको, सबसे इम्पोर्टेंट खुशी होती है लास्ट में। वैसे भी ये तो फिलहाल आपकी शुरुआत है, जब आप MBBS कॉलेज में आओगे ना तो एग्जैक्ट उसी में आपको पता चल जाएगा क्या करना था हमें, कैसे पढ़ाई होती है यहाँ पे। नीट में भी बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, वो तो पता ही होता है, इस लेवल जब हम इस टाइम पे होते हैं ना, इस पीरियड में जब हम 11th 12th में होते हैं, तो इस टाइम पे हमारी जो लेवल होती है दिमाग की, वो इतनी होती है, जब आप MBBS में आते हो ना तो इतनी मोटी मोटी बुक्स होती है यहाँ पे, इतना ज़्यादा सिलेबस होता है, वो करना पड़ता है, तो फिर वो इंसान अडेप्ट हो जाता है धीरे धीरे से। वैसे ये भी यहाँ पे भी है ना, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्ज़ाम, अभी टेंशन मत लो, बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, डिप्रेशन से आप ख़राब हो जाओगे। और हाँ, एक लास्ट चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कल बबलिंग एरर नहीं करना, अगर आपको कोई गिरा सकता है ना वो बबलिंग एरर है। वो कल करना क्या है, जब आप क्वेश्चन भरोगे यहाँ पे OMR शीट पे, तो आराम से भर देना, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से कर लेना। और एक चीज़, जब आप क्वेश्चन करोगे, जैसे कोई बायो पहले करेगा तो वो क्वेश्चन पड़ेगा ऐसे ऐसे, उसको जो लग रहा होगा ना ऐसे ही सॉल्व होगा आराम आराम, जैसे जेनेटिक्स का क्वेश्चन थोड़ा सा मैथमेटिकल भी आता है वहाँ पे, थोड़ा सा वो मल्टीप्लाई करना पड़ता है वहाँ पे, मल्टीप्लाई क्या क्रॉस, जैसे वो कौन सा था, मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स थे ना वो कुछ, तो वहाँ पे थोड़ा करना पड़ता है। देखो जो जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट होगा ना, उसको पहले ही सर्कल मार देना,
वो क्वेश्चन आप जब आप सेकंड राउंड करोगे ना पेपर का उस टाइम पे करना है। पहले आपको सारे के सारे वो वाले क्वेश्चंस करने हैं जो कि ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी जो क्वेश्चंस है ना वो करने हैं, जिस पे 1% भी डाउट होगा ना उसको सर्कल दो, वो लास्ट के लिए रखो। पहले सारा का सारा पेपर ऐसा ही करो जैसे बायो किया, केमिस्ट्री किया और फिजिक्स किया। और ध्यान रखना फिजिक्स के लिए आपको 80 से 90 मिनट्स बचाने हैं, मतलब बायो और केमिस्ट्री आपको 90 मिनट्स में 100% करना है, ठीक है ना। और वो हो भी जाता है, टेंशन मत लो, 30-40 मिनट्स में आप बायोलॉजी करोगे और 30-40 मिनट्स में आप ये करते हो केमिस्ट्री। मैंने खुद अपने टाइम 29 मिनट्स में केमिस्ट्री की थी वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स के लिए अच्छा टाइम बचता है और उससे मार्क्स भी फिर ठीक ठाक आते हैं फिजिक्स में भी। तो इस वीडियो का मोटिव इतना ही है कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाए और आप कल नीट में गलती ना करके आओ। बाकी क्या है, बाकी ज़िंदगी का आपको जीना ही है कि नहीं। मतलब कोई MBBS में भी जाएगा और टेंशन होगी तो फिर क्या फ़ायदा है। जैसी लाइफ है उसको एक्सेप्ट करो और चलते जाओ ज़िंदगी में, बाकी कुछ नहीं होता। तो ये रही बात यहाँ पे कि आपको कैसे पेपर में ध्यान रखना है। फिजिक्स के लिए कम से कम 90 मिनट्स बचा देना। अब ये टेंशन नहीं लेना वहाँ पे अगर किसी के 70 मिनट्स ही बच गए, 60 मिनट्स ही बच गए मैं ख़त्म, ऐसा नहीं होता। ये अपनी अपनी मतलब तरीका भी होता है कि जैसे मैं पहले फिजिक्स करता था, है ना, तो वैसा ही होता है, कोई टेंशन नहीं है वहाँ पे फिर। लेकिन मैं ऐसा बता रहा हूँ अगर आप ज़्यादा टाइम बचाओगे ना फिजिक्स के लिए तो आप ज़्यादा बेहतर रहता है कि नहीं। और कुछ कहना चाहूँगा और कुछ सुनना चाहते हो आप, ताकि आपका जो स्ट्रेस है वो थोड़ा सा कम हो, थोड़ा रिलैक्स फील कर दे। और हाँ, अगर हो सके, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आज जल्दी सो जाना, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है, आपको पूरी एनर्जी के साथ वहाँ पर जाना है और कुछ खा के जाना, एग्ज़ाम ही देना है। समझ सकता हूँ कि क्या हालात होते हैं इस टाइम पर आपको। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है ना। थैंक यू।